गणराज विनायक। प्रधानमंत्री पहुंचे जम्मू कश्मीर, बाढ़ प्रभावित इलाकों का ले रहे हैं जायजा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से अब तक 160 लोगों की मौत। अमित शाह का नया बयान, कहा सांप्रदायिक तनाव रहा तो यूपी में बीजेपी सरकार आएगी। लव जिहाद पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा लड़कियों को समझाना होगा लव जिहाद से बचने का तरीका। टूट सकती है आघाड़ी, कांग्रेस एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ा, एनसीपी अकेले ही चुनाव लड़ सकती है। और हिमाचल पहुंचे अंडरवर्ल्ड के तार डी के राव के मर्डर के लिए हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे लेमन न्यूज, मैं आपके साथ नितिन माधव कुछ खास खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नवी मुंबई से, जहां खंडेश्वर रेलवे स्टेशन के पास गोली चलाने की घटना सामने आई। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के पास से और 3 पिस्तौल पुलिस ने बरामद किए है। ये घटना है नवी मुंबई की, जहां खंडेश्वर रेलवे स्टेशन के पास गोली चलने की घटना घटी है। 3 और पिस्तौल आरोपी के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किए है। नवी मुंबई खंडेश्वर रेलवे स्टेशन के पास की घटना, जहां पुलिस ने एक आरोपी के पास 3 पिस्तौल गिरफ्तार किए हैं और गोली चलने की घटना के बाद तुरंत हरकत में आने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। नवी मुंबई के खंडेश्वर रेलवे स्टेशन के पास की घटना है, जहां पर गोली चलाने की वारदात के बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आने के बाद आरोपी को 3 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नवी मुंबई से, खंडेश्वर रेलवे स्टेशन के पास एक गोली चलने की घटना सामने आई, जिस घटना के बाद तुरंत पुलिस ने हरकत में आकर उस आरोपी के पास से और 3 पिस्तौल बरामद किए हैं, जब्त किए हैं। और बड़ी और घटना श्रृंखला इसमें क्या है, इसकी छानबीन पुलिस लगातार कर रही है। इस पर विस्तार से जानकारी के लिए जुड़ते हमारे संवाददाता गोपाल शाह के साथ। गोपाल जी, ये कितने बजे की घटना है और क्या 3 पिस्तौल के साथ और क्या श्रृंखला इसमें और जानकारी सामने आई है 3 पिस्तौल पकड़ने के बाद? अभी मैं बताना चाहूंगा कि आज सवेरे 10:30 बजे की घटना है, जिसमें पुलिस विभाग को ये जानकारी मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति जो है बंदूक बेचने के लिए आने वाला है, जिसकी वजह से पुलिस ने एक व्यू रचकर वहां पर पुलिस विभाग के कुछ लोगों को वहां पर खड़ा कर दिया था। लेकिन जब पुलिस आरोपी जब वहां पर पहुंचा, तब उसे इस बात की भनक लग गई कि पुलिस मेरे चारों तरफ है, और उसके बाद दृश्य ऐसा जैसे फिल्मी ड्रामा होता है बिल्कुल उसी तरह का हो गया। उसने बंदूक तान दी पुलिस के ऊपर गोली चलाने के लिए, लेकिन जब तक वो गोली चला पाता उसके पहले ही पुलिस ने उसके पैर पर निशाना साध दिया। हालांकि गोली के छर्रे उसे कुछ लगी है, लेकिन उसके पैर पे गोली नहीं लगी। और उसके बाद जो पुलिस की वहां पर टीम मौजूद थी, उन्होंने दौड़कर आरोपी को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम है राजीव शुक्ला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही राजीव शुक्ला है जो आज से 6 महीना पहले जेल काट कर निकला है। और ये आरोपी आज से कुछ महीना पहले की बात है, लगभग 1.5 साल पहले की बात है, जिसमें पनवेल में एक फॉर्म हाउस के ऊपर मर्डर हुआ था, जिसमें 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसमें ये शामिल बताया जा रहा है। हालांकि ये इसके पास से 3 पिस्तौल बरामद किए गए हैं, और अब पुलिस इस जांच में तुली हुई है कि आखिर इसने पिस्तौल कहां से लाया था और कौन है जो इसको पिस्तौल दे रहा है और कौन व्यक्ति है
जिसके जिसके पास अब तक इसने पिस्तौल पहुंचाए हैं। हालांकि पुलिस ने पकड़ ली है आरोपी को, अब जांच कर रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि पकड़े गए आरोपी से और क्या नई जानकारी पुलिस को हासिल होती है। जी गोपाल जी, आपने कहा कि राजू शुक्ला ये आरोपी का नाम है और इसके पास से 3 और पिस्तौल बरामद किए। ये पिस्तौल का जो प्रकार है, किस प्रकार का, ये घरेलू पिस्तौल है या फिर प्रोफेशनल या कुछ ज्यादा शक्तिशाली पिस्तौल पकड़े गए इनके पास से? देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो 3 पिस्तौल बरामद हुआ है, उन तीनों पिस्तौल में 2 तो देसी कट्टा है और 1 जो पिस्तौल है वो विदेशी मेक दिख रहा है। लेकिन पिस्तौल के ऊपर कहीं मेड इन इंडिया या मेड इन जापान जैसा कोई भी वर्ड नहीं छपा हुआ है, इसलिए पुलिस कंफ्यूज है। हालांकि जो बनावट है बिल्कुल विदेशी पिस्तौल की तरह है और पुलिस को आशंका है कि इसकी कीमत ज्यादा होगी। लेकिन फिलहाल अब पुलिस जांच कर रही है कि ये किस कंट्री का पिस्तौल है और इस आरोपी के पास कैसे पहुंचा। जी गोपाल जी, क्या पुलिस की इस जानकारी में और छानबीन में क्या कुछ और आरोपी या कुछ श्रृंखला में इसमें कुछ लोग और जुड़ने की खबर आ रही है आपके पास? जी जाहिर सी बात है कि राजीव शुक्ला नाम के आरोपी के पास से जो पिस्तौल बरामद हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके आगे भी कोई ना कोई जरूर होगा और जिसके पास से ये हथियार लाकर यहाँ पर बेचने के कारोबार में लिप्त था। ये तो गनीमत रही कि चलिए पुलिस को इस बात की भनक लग गई थी और उन्होंने आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन अब सबसे बड़े अहम सवाल पुलिस के सामने ये है कि उसने पिस्तौल कहाँ से लाया था और कौन है जो इस तरह के स्टेशन की घटना है और गोली चलाने के बाद क्या अब भी वहाँ पर भय का माहौल है लोगों में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो घटना जहाँ पर घटी थी, ये स्टेशन के एकदम एक कॉर्नर साइड में है जहाँ पे गाड़ी पार्क की जाती है और उस तरफ लोगों का कम आना जाना होता है और इसलिए आरोपी ने उस जगह का चुनाव किया था ताकि इत्मीनान से ये डील फाइनल कर ले, सामने वाले पार्टी को वो पिस्तौल दे दे और उससे नोट ले ले। लेकिन उसकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत वहां पे जो ये हादसा हुआ इसकी भनक भी आप जब दर्शक टीवी देख रहे होंगे तब उन्हें पता चल रहा होगा, क्योंकि वो एकांत में था और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर पुलिसकर्मी वहां पर सादे ड्रेस में थे और इसलिए लोगों में उत्सुकता नहीं पैदा हुई कि आखिर इतने सारे पुलिस वहां पर है या आम नागरिक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ ये जानकारी बांटने के लिए। तो एक घटना है नवी मुंबई के खांडेश्वर के, जहां रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने गोली चलाने के बाद पुलिस ने उनके पास से 3 और पिस्तौल बरामद किए। आरोपी का नाम राजीव शुक्ला बताया जा रहा है, जो शातिर अपराधी है। एनडीआरएफ सेना और वायु सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम के राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुख्य सचिव भी मौजूद थे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ के चलते कई क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ से अब तक 160 लोगों की मारे जाने की आशंका है। इसी के चलते पीएम ने आज जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। वहीं सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी बाढ़ के कई प्रभावित और जगहों का जायजा लिया। साथ ही साथ कश्मीर में हालात और ज़्यादा बिगड़ गई है, खासकर श्रीनगर के कुछ इलाके जो हैं, दरिया जो है वो बंड के ऊपर से चढ़ के अब निचले इलाकों में, श्रीनगर के शिवपुरा, सोनवार, बदामी बाग, राजबाग, इन इलाकों में 8-8, 10-10 फुट। पीएम नरेंद्र मोदी को अपने अब तक जनता से मुखातिब होते हुए कई माध्यमों से देखा होगा, चाहे तो सीधा संवाद हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो। लोगों से बात करना पीएम की एक अच्छी मजबूती मानी जा रही है और जनता के साथ मुखातिब होने के लिए उनका हुनर एक कायल है। जो पीएम मोदी ने जनता के साथ मुखातिब होने के लिए रेडियो को चुना। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी अब रेडियो पर मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ इस आवाज़ के साथ सुनाई देंगे। मोदी सीधे देश की जनता के साथ जुड़ना चाहते हैं, लिहाजा आए दिन पीएम जनता से जुड़ने के लिए नए नए माध्यमों को तलाशते नजर आ रहे हैं। और इसी श्रृंखला में अब ऑल इंडिया रेडियो, जो सरकारी माध्यम है रेडियो आकाशवाणी, उसके माध्यम से अब जनता के साथ गांव कस्बों तक सारी जनता के हर स्तर से के साथ वो जुड़ने की अब रेडियो के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद से पाकिस्तान में जाकर
मुलाकात करने वाले पत्रकार वैदिक प्रताप एक बार फिर से विवादों में है। पेश हमारी खास रिपोर्ट। राजनीतिक विश्लेषक वेद प्रताप वैदिक एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए थे वैदिक प्रताप। इस दौरान उन्होंने भारतीय संसद और सांसदों पर आपत्तिजनक बयान दिया है। जिसे मैंने सत्य समझा है उसके लिए मैं लड़ा हूँ, कभी डरा नहीं हूँ। किसी के सामने कोई समझौता मैंने नहीं किया है। जब मुझे किसी ने कहा कि संसद में दो सांसदों ने मेरी गिरफ्तारी की मांग की, तो मैंने कहा है कि दो नहीं, 100 भी नहीं, 543 सांसद भी अगर सर्वसम्मति से मेरी गिरफ्तारी का प्रस्ताव पारित करें और कहें कि डॉक्टर वैदिक को फांसी पर चढ़ाओ, तो मैं उस पूरी संसद पर थूकता हूं। मैं उनसे कहूं कि वे चूल्हे में जाएं, वे मूर्ख और बुद्धिहीन हैं, मैं उनकी बात को नहीं मानता। इससे पहले प्रताप ने पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मुलाकात की थी, जिसके चलते वो विवादों में फंस गए थे। हाफिज सईद मुंबई हमले में आरोपी है। वैदिक ने साथ ही ये भी कहा कि सरकार अगर उन्हें जेल भेजना चाहे तो तिहाड़ जेल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी उनके साथ जेल में रखा जाए। बकौल प्रताप, मनमोहन सिंह ने देश के हजारों जवानों की हत्या के लिए जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि हाफिज सईद से वैदिक की मुलाकात से देश में काफी विवाद हुआ था और विपक्ष का कहना था कि सरकार की जानकारी के बगैर ये मुलाकात नहीं हो सकती थी, जबकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। अब अपने नए बयान के बाद प्रताप फिर से विवादों के कटघरे में हैं। शिल्पा रोंघे, लेमन न्यूज, मुंबई। सुखना भूमि घोटाले में आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट से सेना के पूर्व कमांडर पी के रथ को क्लीन चिट मिल चुकी है। पी के रथ ने यह कहा है कि इस मामले पर उनका पक्ष सही साबित हुआ है। वहीं पूर्व सेना प्रमुख वी के सिंह ने इस मामले पर मांग की है कि सरकार को इस फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए। जजमेंट के अंदर व्यक्तियों पर ज्यादा छींटाकशी की गई है, मुद्दों पर कम की गई है। शायद ऐसे फैसले पूरे जुडिशरी में कम ही दिखाई देते हैं। और एक ऐसा मुद्दा जो कि बिल्कुल स्पष्ट था, जहां पर करप्शन को रोकने की कोशिश की गई थी, ऐसे फैसलों से शायद लोगों को करप्शन से भय नहीं लगेगा। हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसकर शादी करने और फिर उन पर धर्म मतलब समझना होगा और इससे बचने के लिए लड़कियों को जागरूक भी करना होगा। गौरतलब है कि आरएसएस ने लव जिहाद को आतंकी संगठन की साजिश बताकर इसका विरोध भी किया है। मुंबई में गणेशोत्सव को देखते हुए मुंबई के ट्रैफिक पुलिस ने समस्या और सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसके तहत 5 अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम बनाए। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर एम्बुलेंस और फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की गई। मुंबई बाप्पा की विदाई को लेकर, विसर्जन को लेकर काफी भीड़ भाड़ रहती है, जिसके चलते इस इंतजाम की अब सुविधा लोगों को सफलतापूर्वक मिल पाएगी। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की सहायता के लिए एक कई एनजीओ साथ ही साथ स्वयंसेवक युवक भी इस आयोजन में शामिल होने वाला है। मुंबई पुलिस ने गणेशोत्सव के चलते नागरिकों से भी सहयोग देने की अपील की है। जो इमर्सन पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे हमने ट्रैफिक का काफ़ी एलोबरेट बंदोबस्त किया है। जैसे गिरगांव चौपाटी है, शिवाजी चौपाटी है, जुहू है, वर्सुआ बीच है, मारवे है और पवई तालाब है। वहाँ पे गाड़ियाँ कैसे आएंगी, कैसे जाएंगी, वहाँ पे पार्किंग का क्या अरेंजमेंट है, इन सारी चीज़ों की हमने पूरी तरह से रूपरेखा तैयार की है। इसके अलावा पूरे मुंबई शहर में 49 ऐसे रस्ते हैं जिनको हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है। उसके अलावा 55 ऐसे रस्ते हैं
जिनको हमने वन वे किया है, एक साइड से गाड़ियाँ जाएंगी। इसके अलावा 95 ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे हमने नो पार्किंग किया है और 13 ऐसे रास्ते हैं जिन पे हमने हेवी व्हीकल को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जंक्शंस हैं, जो सेंसिटिव पॉइंट हैं, ऐसे 31 जगह पे हमने वॉच टावर बनाए हैं। उस वॉच टावर पे हमारे लोग रहेंगे, वॉकी टॉकी रहेगी, हमारा PA सिस्टम रहेगा और पूरे क्राउड को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 11,000 वॉलंटियर्स आएंगे, डिफरेंट NGOs के, डिफरेंट NCC के आएंगे, NSS के आएंगे, सिविल डिफेंस के आएंगे, तो उनकी हम मदद लेंगे। हमारे ऑलमोस्ट 3500 ट्रैफिक कर्मचारी और अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा होम गार्ड के लोग हैं। तो इस तरह से पूरे मुंबई शहर में विसर्जन पॉइंट रूट, इसके अलावा जो सेंसिटिव जगह है ट्रैफिक के हिसाब से, कम्युनली हिसाब से, उस हिसाब से हमने पूरा बंदोबस्त। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते आर्थिक राजधानी मुंबई कलीना विधानसभा क्षेत्र में बूथ प्रमुख शिविर आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी विधायक रूपा शंकर सिंह के साथ पर्यवेक्षक दिल्ली से वो आए थे मुंबई। कांग्रेसी विधायक अनिल चौधरी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र की जनता बहुत मैं समझता हूँ समझदार और सुलझी जनता है, और मुंबई में खास तौर से एक मिनी हिंदुस्तान बसता है। जिस तरह से कार्य पूरे महाराष्ट्र में हुए, मुंबई में हुए हैं, और जिन परिणामों का जिक्र आप कह रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपने जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है उनकी बैठक बुलाई है। कहीं ना कहीं हमारी चूक रही, हम अपनी उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुँचा पाए। और जिस तरह से कृपा शंकर जी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने 10 सालों में देश को जो अधिकार, जो कानून दिए, उसका प्रचार प्रसार हम घर घर तक नहीं ले जा पाए, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। और ऐसी विचारधारा, एक ऐसी पार्टी की सरकार बनी है, सो उसी से संज्ञान लेते हुए हमने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करी है कि महाराष्ट्र सरकार की उपलब्धियाँ, कांग्रेस सरकार की पिछले 10 साल जो केंद्र में उपलब्धियाँ रही हैं, जो कानून राष्ट्र हित में, देश हित में, लोगों के हित में बनाए गए हैं, उनका प्रचार प्रसार घर घर तक करें और कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे लोगों को अवगत कराएं। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, हम लोगों को यहाँ अपने बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत और उनके साथ मिलकर काम करने का दिशा निर्देश है। जो टिकट और आप जो चुनाव की प्रक्रिया सिलेक्शन की है वो नेतृत्व कर रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। इसी के चलते हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने कलीना विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया और क्षेत्रीय विधायक रूपा शंकर सिंह के साथ बातचीत भी की। हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक कृपा शंकर सिंह साहब, 175 विधानसभा क्षेत्र से बतौर विधायक हैं। हम उसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहां पर जो कार्यक्रम रखा गया था, इसका एजेंडा क्या था? एजेंडा कुछ नहीं है, ये जो भारतीय लोकतंत्र है, ये देश आजाद हुआ था, इसके बाद भारत को एक संविधान दिया था, उसकी एक प्रक्रिया है चुनावी प्रक्रिया। चुनावी प्रक्रिया हमारा पिलर जो है वो बूथ कमेटी होती है। बूथ पे काम करने वाले हमारे पार्टी के लोग होते हैं, हर पार्टी के लोग होते हैं, हमारे पार्टी के लोग होते हैं। इसलिए लोकसभा के चुनाव में देखा गया कि कई जगहों पे, खास करके मैं कलीना विधानसभा क्षेत्र की बात बताता हूँ, कि इस कुरला विभाग में, इधर कई विभागों में जो मतदान होने चाहिए, जो कांग्रेस को ही पड़ते हैं, वो मतदान हो नहीं पाया। उसका कारण था कहीं से हम लोग कमज़ोर पड़े हैं, हमारा बूथ हमारा मजबूत नहीं कर पाए। उसमें कार्यकर्ताओं का कोई दोष नहीं है, हम लोग कहीं से कमज़ोर पड़े, लेकिन उस कमज़ोरी का एहसास करके और एक थोड़ी सुनामी जैसी एक अलग ढंग की बात आई थी, जो जहरीला इस देश में सांप्रदायिक ताकत को भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, विकास के नाम पे करता चलते, लेकिन धर्म और भाषा के नाम पे इस देश में बांटने का एक प्रयास हुआ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग जरूर गुमराह हुए हैं। जिसमें अच्छे दिन के सपने की बात हुई थी, सूरज मांगो ला के दे दूंगा, चांद ला के दे दूंगा, तारा भी ला दूंगा, आसमान धरती पर उतार दूंगा, और आज बोर्ड लगा है बनारस में जहां से देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं, वहां लिखा है बड़ा बोर्ड कि टमाटर की ललकार 56 इंच बेकार। कहां गया 56 इंच सीना? मैं देश की जनता जानना चाहती है, हमारी दो बहनें जिनके पति का गला सतना के, सुधाकर सिंह और हेमराज सिंह, दो उनकी पत्नियां, मेरी बेटी के रूप में मैंने माना, बॉम्बे बुलाया था। एक आदमी जाता है पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलाता, बुलाना चाहिए, पड़ोसी राज्यों का संबंध अच्छा होना चाहिए, और दूसरी तरफ एक पत्रकार को भेजते हैं, पत्रकार तो कहीं नहीं सकते, पत्रकार के नाम पे मतलब कितना घिनौना काम किया इस देश के लिए, कि एक ऐसे शैतान के पास जाके बातचीत करता जैसे उसे एम्बेसडर से बात करता है। पत्रकार किस हैसियत से गया, किसने भेजा? कुल मिला के उनके भेजने के पीछे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, सबके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही है।
देश जानना चाहता है कि वो पत्रकार उस शैतान के पास कैसे गया जिस शैतान ने बॉर्डर पे हमारे लोगों की जाने लिए हैं। देश जानना चाहता, हम जानना चाहते हैं, ये सब लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का विरोध देशद्रोह क्यों माना जाने लगा है, आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, मैं देशद्रोह जो शब्द है उसको अलग अलग रूप लेते हैं, कानून प्रक्रिया में अलग जाएगा। हम देश के साथ, हमारा वचननामा होता है, लोकतंत्र तीन भागों में बांटा है, एक आश्वासन जब हम चुन के आते हैं, दूसरी योजना जब हम उस जगह बैठते हैं, तीसरी वचन पूर्ति जब हम काम करते हैं। इन्होंने आश्वासन तो दिया, योजना का नाम नहीं, योजना आयोग ही चला गया। ये पंचवर्षीय योजना होती, पहला देश का प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कान खोल के सुन ले आपके माध्यम से, जब 15 अगस्त मनाया जाता तो क्या कहते हैं लोग कि ये देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता कैसे हुआ, गुलामी से हुआ, गुलामी से कैसे दूर आए, बहुत सारे लोग बड़े संघर्ष के बाद आया था। इन्होंने 1947 के बाद करी, 1947 का पहले का एक जिक्र नहीं किया, जिन शहीदों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने उन परवाह करते अपनी जानें दे दी, उनका जिक्र नहीं हुआ। पहली बार जुडिशरी में हो रहा है, मैं कह रहा हूँ जुडिशरी में हो रहा है, जो इनका साथ देगा वो जज नहीं बन सकता, जो इनका साथ देगा वो गवर्नर बन सकता है, आपके सामने उदाहरण है। एक आखिरी सवाल आपसे यह है, साल 2009 में आपने चुनाव लड़े, आप जीत कर आए, जनाधार मिला आपको, इस बार साल 2014 के चुनाव में किस तरह की चुनौतियां हैं, चूंकि पार्टी के भीतर भी अंदरूनी कलह है, इस बात को सिंह साहब आपको मानना होगा। कलह नहीं कर सकते उसको, कुछ असमंजस में देश पड़ गया। मैं इसी इलाके की नहीं बात कर रहा हूँ, आप जिस इलाके में खड़े हैं, 1999 में पहला चुनाव लड़ा था और यही कृपा शंकर इसी जगह पे तमाम झोपड़पट्टी थे और लोगों पे तलवार लटकी थी घरों पे, कि ये पूरा इलाका मोतीलाल नेहरू नगर पिराल मोहम्मद अली स्टेट यहाँ से कांदीवली चला जाएगा। 1999 मैंने कहा था कि जिस दिन यहाँ बुलडोजर चलेगा कृपा शंकर गलत चलेगा। आज देखें पक्की पक्की इमारतें कृपा शंकर देन है, उस कांग्रेस पार्टी की देन है। एक बार फिर मुंबई की जनता को आपसे ये हम उम्मीद रखेंगे कि आप उन्हें एक संदेश देंगे कि साल 2000 तक की जो झोपड़पट्टियों को संरक्षण देने का मामला है, क्या इस बार सुलझा लिया जाएगा? सुलझा लिया गया है, कोई भी 2000 तक के झोपड़पट्टी वासियों को अगर कहीं से उनको कानूनी अभ्यास वंचित करेगा तो वो इस शहर से वंचित हो जाएगा, कोई उनके ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो हमारे साथ मतदान करते हैं वो इस देश के अधिकारी होते हैं, इस देश के नागरिक होते हैं। ये हम कांग्रेस के कद्दावर नेता कृपा शंकर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मुंबई वासियों में जो भी झोपड़पट्टियां हैं, साल 2000 तक की झोपड़पट्टियों को पूरी तरीके से संरक्षण देने की जो कानून है वह पास हो चुका है और उस पर अमली जामा भी पहनाया जा चुका है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि एक बार फिर कलीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी यदि कृपा शंकर सिंह साहब को टिकट देती है तो उसका नतीजा क्या कुछ निकल कर आता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। नांदेड में शिवसेना प्रमुख ने रैली के दौरान जनता को संबोधित किया और सूबे की आघाड़ी सरकार पर निशाना भी साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आघाड़ी सरकार अब तक भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, लिहाजा विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस और एनसीपी को सबक सिखाएगी और महाराष्ट्र में फिर से भगवा परचम लहराएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सीटों पे बंटवारों के लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच अब तक तालमेल नहीं बैठ पाया, जिसके कारण आघाड़ी सरकार का गठबंधन टूटने के कगार पर है। एनसीपी ने 144 सीटों की मांग की, जबकि कांग्रेस 124 या उससे भी कम सीट देने को राजी है। यही कारण है कि दोनों सत्तारूढ़ पार्टियों में चुनाव तालमेल नहीं बैठ पाया। कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों हुतात्मा चौक पर नारियल फोड़कर अपने चुनाव प्रचार का शुभारंभ भी किया था। संभावना यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। 15 साल पुराना आघाड़ी का सरकार का गठबंधन अब टूट भी सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान ध्वनि रिकॉर्डिंग के इतिहास पर एक अनूठी किताब का विमोचन किया। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ध्वनि रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में ध्वनि रिकॉर्डिंग करने वालों का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ध्वनि अभिलेखों तक पहुंचाने के लिए एक परियोजना पर काम भी कर रहा है।
आपने अमरनाथ जी जो काम किया है ये सचमुच एक अनोखा काम किया है, और इससे मुझे याद आया कि मेरे पास भी बहुत बड़ा सामान पड़ा है आकाशवाणी और दूरदर्शन में। 4 लाख आवर्स का आकाशवाणी के पास अर्काइव, 3 लाख आवर्स का दूरदर्शन के पास अर्काइव है। मैंने जब सत्ता संभाली तो मैंने बैठक की और मैंने कहा इसका क्या करेंगे हम, ये कब दिखाओगे, कभी कभार एक बार दिखाते हो या दूरदर्शन डीडी भारती पर कुछ दिखाते हो, लेकिन ये आम लोगों को कैसे पहुंचेगा, ये खजाना है, इस खजाने को मैं मोनेटाइजेशन का नाम नहीं देता हूं, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, और ये हमारी विरासत है, जो लोगों तक पहुंचे तो उस कलाकार के आत्मा को भी जो नहीं है आज उनको भी लगेगा कि बहुत कुछ काम किया सरकार ने, और हम करेंगे, हम ये संगीत का और बाकी सारा खजाना जो है दूरदर्शन का आकाशवाणी का लोगों के मोबाइल पे भी मिलेगा, ऐप के द्वारा मिलेगा, इस तरह से हम कुछ काम करेंगे, तो मुझे लगता है इससे बहुत एक बड़ी क्रांति होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए बुलेटिन को इजाजत, नमस्कार।